आपका डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा सर दोस्तों, जैक फ्रूट्स, कटहल का जो जो फल होता है सब्जी में बहुत यूज होता है, बहुत से देशों में ये एक्सपोर्ट होता है। आज हम बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में कैसे होता है। पहले ये भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही बढ़िया कटल है ये, है ना? नहीं अच्छा है कटल, कोई दिक्कत। दोस्तों ये जो जैक फ्रूट्स है अभी बहुत छोटा है, आप ये देखिए, ये भी बहुत छोटा है। अभी मैं आपको बड़े वाले जैक फ्रूट्स वाले ट्रीज पे भी ले जाऊंगा। ये बहुत छोटे हैं, बहुत सारा ये जैक फ्रूट्स हुआ है यहाँ पे। देखिए आप, ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अभी छोटे हैं, अभी थोड़े टाइम बाद ये बहुत बड़े हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा फ्रूट होता है वर्ल्ड का। ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी हम बहुत सारे ट्रीज़ पे चलते हैं, दूसरे ट्रीज़ पे मैं आपको ले जाता हूँ दोस्तों। ये जो देखिए, इस ट्री को देखिए, ये देखिए बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। जैक फ्रूट्स लटक रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। और आज अब मैं आपको बड़े ट्रीज पे जैक फ्रूट्स को देख आपको लेके दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए ये देखिए, बहुत सारे गिर भी जाते हैं, तो अभी बड़े वाले पे हम आपको ले जा रहे हैं। ये चलते हैं हम लोग। आज मैं आपको लाया हूँ बिल्कुल जैक फ्रूट्स के ही एक ट्री के पास, और बहुत सारे ट्री हैं यहाँ पे, और बताऊँगा ऑस्ट्रेलिया में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैक फ्रूट के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जैक फ्रूट जो होता है वो सबसे बड़ा फ्रूट होता है, 55 kg का ये जैक फ्रूट्स होता है दोस्तों। और जो नया पेड़ है, जो नया ट्री है, उससे आप दोस्तों करीब करीब 100 किलो या 50 किलो और 100 किलो के बीच में जैक फ्रूट्स होता है पर ईयर। और अगर कोई पुराना पेड़ है तो 200 किलो तक आपको जैक फ्रूट वहाँ से मिल सकता है दोस्तों। आप इसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है दोस्तों इसमें। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स है दोस्तों, 23% कार्बोहाइड्रेट्स है, 2% प्रोटीन है, 1% फैट है। तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, चाहते हैं कि हम फैट का कम यूज़ करें, तो वो इसको काफ़ी यूज़ करते हैं दोस्तों। जो पका हुआ होता है वो थोड़ा सा पाइनएप्पल की तरह उसका टेस्ट आता है, और जो नॉर्मल होता है, जो नहीं पका होता दोस्तों, उसमें चिकन का, अगर आपने खाया हो तो चिकन का टेस्ट आता है दोस्तों। तो आप इसको ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप इसको बेनिफिट्स कमाएंगे दोस्तों। बांग्लादेश और श्रीलंका का ये नेशनल फ्रूट्स भी है। तो आप जैक फ्रूट को, अब मैं बताऊंगा जैक फ्रूट्स की अलग अलग किस्मों के बारे में, तो आप जैक फ्रूट को ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैक फ्रूट्स की बहुत सारी किस्में होती है। एक किस्म होती है दोस्तों दंग रसबेरी दोस्तों, हनी गोल्ड, लेमन गोल्ड दोस्तों, ब्लैक गोल्ड। ये मैंने आपको जैक फ्रूट्स के बारे में बताया। कटहल जिसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ साउथ इंडिया में, और ईस्टर्न जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार भी होती है। तमिलनाडु का दोस्तों स्टेट फ्रूट्स है, ये राज्यफल है तमिलनाडु का दोस्तों। और अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारे इंडियन वहाँ पे रहते हैं, ये वहाँ पे जाता है और बहुत यूज़ होता है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में यूज़ होता है। ऑस्ट्रेलिया के किन पोर्टों पे आप जो बंदरगाह हैं उनमें भेज सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सिडनी हार्बर है, बैरिसबेन है, कोबोर है, यहाँ पे आप इन पोर्टों पे आप भेज सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कीजिए, और शुरू में कम एक्सपोर्ट कीजिए, जो प्रॉफिट हो उसको री इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सिडनी होलसेलर मार्केट्स है, और ऑर्गेटन होलसेलर मार्केट्स है, जिमलोनी होलसेलर मार्केट्स है, वहाँ पे जैक फ्रूट्स के बहुत सारा जैक फ्रूट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है।
तो इन मार्केट में अगर यहाँ पे सिडनी में कोई रहता तो उन्हें ये कहें कि यहाँ पे जाएं और उसके लिए आपके लिए जो बायर है उसकी संभावनाएं प्रोबेबिलिटी जो है वो तलाश सकते हैं, बायर मिल सकते हैं। और बहुत सारे टेक्निक्स हैं हम बायर की अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताते हैं। तो दोस्तों जरूर जैकफ्रूट एक्सपोर्ट कीजिए, इसमें चिकन का टेस्ट आता है अगर ये पका हुआ नहीं है। अगर पका हुआ तो दोस्तों पाइनएप्पल्स का थोड़ा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो आप जैकफ्रूट का एक्सपोर्ट कीजिए। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, मैं आपको बताऊंगा जैकफ्रूट्स का आप कैसे दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कटहल दोस्तों सबसे बड़ा फल होता है, याद रखिए, और सबसे बड़ा फल सबसे बड़ा प्रॉफिट भी देता है। ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए, मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।